और उधर सब हिरन दिखाई दे रहे हैं, इनका कहना है। हाँ, बाबा को जानकारी है इसका, क्योंकि इनके खेतों में बहुत पड़े हैं ना। बहुत मेहनत के बाद जो है इस रोड पे हम लोग आए हैं। अब ये रोड जो है सीधा लेके चला जाएगा मेन रोड पे, जो आरा छपरा वाला, जो छपरा वाला नहीं, सारा आरा बक्सर वाला रोड पे, वहाँ से देखते हैं कि ब्रह्मपुर जाना है। कहाँ जाना है? ब्रह्मपुर जाना है। अच्छा, चलिए ब्रह्मपुर पहले घूम लेते हैं। गांव में ही है चक्की, कोई गांव है उसी गांव में देखा। बारिश यहाँ पर चालू हो गई और भयंकर वाली बारिश उधर से आ भी रहा है, लग रहा है बारिश तेज होगा यहाँ पर। तो सभी लोग यहीं पर फंस गए, देखो कब तक खुले। ऐसे मज़ा इसका अलग है। फाइनली सामने मुझे लग रहा है कि कोई हाईवे दिख रहा है, हम लोग लग रहा है कि भूलते बिछड़ते हुए हाईवे पे पहुंच गए हैं, और देखते हैं यहाँ से रास्ता किधर जाता है। ये जो है आरा और बक्सर वाला जो रोड है उस पर हम लोग आ गए हैं। बहुत पहले जब पटना हम जा रहे थे ना, तो उस समय ये रोड बना भी नहीं था, लेकिन अब तो देखने को मिल रहा है कि बन गया है। बढ़िया है, लेकिन रोड की चौड़ाई भी बहुत मस्त है, बहुत बेहतरीन हाईवे है भाई, जवाब नहीं इसका। पता नहीं कहाँ पे आके फंसे हैं, लेकिन यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी है पता चल रहा है। गूगल मैप का तो भरोसा करेंगे नहीं हम भैया। और उधर सब हिरन दिखाई दे रहे हैं, इनका कहना है। हाँ, बाबा को जानकारी है इसका, क्योंकि इनके खेतों में बहुत पड़े हैं ना। तो फाइनली रास्ता डिसाइड हो गया है कि इसी रोड में हम लोग को यारा सीधे चला जाता है रोड, इसी रोड में हम लोग को जाएंगे। 2-3 किलोमीटर के बाद जो है रास्ता घूम रहा है दाहिने साइड में, वो रास्ता ब्रह्मपुर की तरफ लेके जाएगा। अब ब्रह्मपुर पहुंच गए हैं। ये ब्रह्मपुर का लग रहा है मार्केट है, और ये जो रोड दिख रहा है यहाँ से जो है मुड़ के हमें जाना है। तो मेन रोड जो है ना, मेन रोड से जस्ट पास में ही है ये मार्केट ब्रह्मपुर का। ब्रह्मपुर जो है हम लोग पहुंचने वाले हैं स्थान पर, बाबा के स्थान पे। और वैसे तो हम लोग ब्रह्मपुर मार्केट में ही पहुंच गए हैं। श्री बाबा परमेश्वर नाथ पुजारी से तो इस मंदिर पे मैं पहली बार आया हूँ ब्रह्मपुर बाबा के स्थान पर, और मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कौन सा रास्ता किधर से। खैर चलो देखते हैं, मेरे ख्याल से लग रहा है कि यही वाला रास्ता जो है सही है, यही रास्ता जो जाएगा। और ये मेन गेट थी यहाँ पे, मेन रोड वो, और इधर चलते हैं। तो बाबा का ये स्थान, ये अंदर का मंदिर, बाबा जल ढाले यहीं पे जो है चप्पल खोल देते हैं हम लोग। मंदिर के अंदर का ये सीन कुछ ऐसा है, लेकिन जिस दिन जल गिराना रहता है ना, उस दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत। मेरे को लग रहा है कि असली स्थान वही है, वो इतना बड़ा सा है, लग रहा है इतना बड़ा शिवलिंग। इसमें सोमवार के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि किसी को जगह भी नहीं मिलता है कि इसमें पानी। ये स्थान जैसे कि इधर जो है जल गिराने के लिए हवन कुंड बनाया गया है, उस उधर के साइड में वहाँ पर घंट, और ये माता पार्वती का जो स्थान है, बाबा गौड़ी गणेश, ये गणेश वो हैं, इनको क्या कहते हैं बाबा, नंदी महाराज हम भूल ही जाते ना। और इधर से जैसे कि हम लोग जल, जैसे इधर जल लेंगे ना, इधर से जल लेकर ऐसे लाइन कैसे लगाते लोग, इधर से लाइन लगता है कि इधर से लगता है, लाइन यहीं से लगता होगा ना। हमें लग रहा है कि ऐसे ही लाइन लगा के ऐसे जो एंट्री होती होगी इसमें। ये चीज़ देखो ऊपर से भाई जो है जल लेके लोग इधर से ही एंट्री करते हैं, और इधर के साइड में जो है खूब सारे जो है इसमें ही भगवान जय श्री राम जी का मंदिर भी है, ये दिख रहा हो। अरे देखो भाई कहाँ से जल लेने पड़ता है, उसमें से आइए देखा जाता हूँ। ये यहाँ का बहुत फेमस प्रसाद है, गुड़ वाला लड्डू। ये गुड़ वाला लड्डू बहुत फेमस प्रसाद है यहाँ का, देखिए ये देख रहे हैं ना, गुड़ वाला लड्डू है ये। तो किस में लेंगे जल, बर्तन देते हैं, अच्छा उसमें डब्बा वहाँ पे देते हैं जल लेने के लिए ना, इसी में से जल भर के फिर वहाँ पे जैसे कि
यहाँ पे एक चीज़ और फेमस है, गुड़ वाला, गुड़ वाला जो लड्डू बनता है यहाँ पे बाबा ना, गुड़ वाला लड्डू का प्रसाद भी बड़ी फेमस है। तो यहाँ से देखो ये, यहाँ से जो लोग हैं जल लेते हैं और फिर जाके उस पर गिराते हैं, ये बर्तन यहाँ से लीजिए बाबा जी, यहाँ से बर्तन, ये देखिए बर्तन लीजिए और यहाँ से जल लीजिए और आराम से जाइए गिराइए। तो अभी जो है बाबा जी जा रहे हैं जल गिराने के लिए और हमको यहाँ पे मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब हम लोगों को थोड़ा सा ये है कि हम लोगों को जल चाहे पूजा वूजा नहीं करना है, जब तक जैसे कि दादी मरी थी ना तो एकादशी जब तक है तब तक जो है पूजा वूजा नहीं करना पड़ता है। बाकी यहाँ का जो व्यू है बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आज आज जो है शुक्रवार दिन है, सोमवार के दिन जो है आप इतने फुर्सत से नहीं जल गिरा पाते हैं। सोमवार को सुमारी भी है और प्रदोष भी है। तो प्रसाद में भाई बाबा जी लिए हैं, जैसे कि ये जो पूरा जो कलश पानी उनी फूल जो लिए हैं इसका जो है कितना बोले बाबा, 40 रुपया। और यहाँ पर जो चिवड़ा और सब जो था उसका जो है 40-45 रुपया। खैर कोई बात नहीं है, श्रद्धा है तो ठीक है, 40-45 कौन सी बड़ी बात है क्या बाबा। चलते हैं भाई, बाबा जी जो है जल गिराने चल रहे हैं, मंदिर के अंदर जाने को मिल गया भाई ये मंदिर, बोलबम। वैसे तो बड़े अच्छों में लिखा है कि फोटो ना खींचे सेल्फी, ना मैं फोटो नहीं खींच रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जैसे लोग जो देवघर जाते हैं तो उसको इस मंदिर किस कड़ी में जोड़ते हैं? देवघर जाने के क्रम में पहले ब्रह्मेश्वरनाथ का जो लिंग है ये ज्योतिर्लिंग में आ रहा था, लेकिन गंगा उत्तरायणी हो रही थी, हमारे ऋषि महर्षि ने बहुत पहले ही अपना अनुमान लगा चुके थे कि यहाँ से जो गंगा है निकट नहीं है, उत्तरायणी होती जाएगी। आज हमारे गंगा 2 किलोमीटर पे थी, लेकिन आज ऐसा है कि 14-15-18 किलोमीटर के दूर पे चली गई। तो काशी के तर्ज पे विश्वनाथ जी के जो ज्योतिर्लिंग है उसको ज्योतिर्लिंग मिनी काशी के रूप में इसको देखा जाता है, यानी बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का जो लिंग है ये ज्योतिर्लिंग में भी आ रहा था, लेकिन ऋषि महर्षियों ने जब देखा कि गंगा उत्तरायणी हो जाएगी तो यहाँ पे गंगा पास में नहीं रह पाएगी, इसलिए इस धाम को इस ज्योतिर्लिंग में इनको नहीं रखा गया। बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की महिमा के साथ जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, मनोकामना लिंग इनको कहा जाता है, जो भी सच्चे दर से, ये नहीं कि भगवान मुझे राजा बना दे, वैभव के संपत्ति के मालिक बना दे, लेकिन हाँ जो भी कामना है सच्चे मन से अगर बाबा के पास आइए, साल के अंदर आपकी मन्नतें पूरी होती है। ऐसा ब्रह्मा सती माहेश्वर खंड में है कि रामेश्वरनाथ का जो लिंग है मनोकामना लिंग से विख्यात है, इसलिए श्रद्धालु जो देवघर जाते हैं पहले बाबा के दर पे आते हैं कि हे बाबा हमारी जो कामना है उसको पूर्ण कीजिए, तत्पश्चात हम बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ के साथ देवघर में वैजनाथ के पास भी जाएंगे। तो बाबा का दर्शन करने के लिए जो है श्रद्धालु जो है आने लगी, भीड़ तो भाई अब बढ़ने लगी, भीड़ बहुत कम है, सोमवार की तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती होगी। तो बाबा का कुछ जानकारी मुझे कुछ प्राप्त हुआ कि ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो लोग जो देवघर जाते हैं ना तो पहले एक बार यहाँ पे दर्शन करते हैं, यहाँ पे दर्शन करके फिर उसके बाद से जो है देवघर लोग जाते हैं, लेकिन इतना से देखा जाए तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ब्रह्मपुर दूसरी बार आए हैं, पहली बार कब आए थे? पहली बार 15-16 साल पहले। उस समय के मंदिर, समय के मंदिर मंत्र दिख रहे हैं, बहुत विकास, बहुत ज़्यादा ना भीड़ भी चूंकि बढ़ जाती है ना, तो इस वजह से जो है लोग आते हैं हर जगह, तो भीड़ बढ़ने की वजह से जो है थोड़ी सी व्यवस्था भी रखनी पड़ती है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़, हमें लग रहा है कि हजारों में लाखों में ये चीज़ है। तो खैर चलो, ये बाबा नहीं दिख रहा क्या ये चीज़ है? ये अच्छा, बैठने उठने की चप्पल ऊपर रखने का आसान है क्या शायद? बाबा का तो दर्शन कर लिए भाई यहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से मंदिर से। अरे मेरा चप्पल तो यहीं छूट गया, मैं तो राय दूंगा कि एक बार जरूर दर्शन करिए, और इस सावन में तो मैं जरूर कहूँगा कि सावन में एक बार तो जरूर दर्शन करिए, सावन में। यहाँ पर तो दर्शन हो गया बाबा का, अब दर्शन करके अब हम लोग जैसे ये देखो जो ये बोलबम लोग जा रहे हैं पूरी तैयारी करके, हर चीज़ की पूरी व्यवस्था, अपना हंडा सब भगवाना खाने पीने के बनाने की सब व्यवस्था लेके चल दिए हैं।